हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता तिवारी। मैं केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ आईआईटी जेई कैटेगरी में और मुझे अराउंड 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन टीचिंग आईआईटी जेई एज वेल एज नीट स्टूडेंट्स आल्सो। तो मैं आपको बेटर गाइड कर सकती हूँ इस पाथ में कि आपको किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करवानी है। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस प्रिपरेशन के दौरान आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होगी वो ये होगा कि आपको कोई गाइड करता रहे कॉन्स्टेंटली विद द बेस्ट कंटेंट। तो मैं आपको बेस्ट कंटेंट भी दूंगी, आपको गाइड भी करूंगी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड आई विल पर्सनली मेंटर यू आल्सो। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि जब हम किसी कोचिंग या फिर हम स्कूलिंग या सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा डाउट होता है कि क्या ये टॉपिक पढ़ना है कि नहीं, ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक में कितनी डेप्थ तक जाना है। तो वो एक पर्सनलाइज्ड या प्राइवेट ट्यूटर से आपको समझ आ जाता है कि इस टॉपिक की इतनी इम्पोर्टेंस है, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है और आपको बताता भी है कि किस वे में आपको अपनी जर्नी में आगे जाना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमें जब हम कोचिंग या क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते हैं तो देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अराउंड 200 स्टूडेंट्स विल बी देयर इन अ सिंगल क्लास। तो अगर इतने स्टूडेंट्स अगर क्लास में है तो आप लोगों पे एक एक इंडिविजुअल जो अटेंशन होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम इस तरीके से प्राइवेट ट्यूटर के हिसाब से जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो मेरे सामने सिर्फ आप होंगे और अगर सिर्फ ओनली वन स्टूडेंट विल बी देयर तो मेरा फोकस पूरा उसी स्टूडेंट पे रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को की जर्नी आईआईटी जेई की बहुत बढ़िया हो जिसमें मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। सो लेट्स मीट एंड मेक दिस जर्नी अ लॉट बेटर।